हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि ये टिकटॉक में जो ये डाउनलोड नहीं हो पा रही है, इसकी क्या प्रॉब्लम है। चलिए देख। पहले प्ले स्टोर पर आ जाते हैं, फिर टिकटॉक। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जब मैंने प्ले स्टोर पे टिकटॉक सर्च कर रहा हूँ तो कोई रिजल्ट जो है टिकटॉक का ओरिजिनल कुछ नहीं आ रहा है। मतलब टिकटॉक जो है वो प्ले स्टोर पे से अभी हटा दिया गया है। कोई उसमें जो भी प्रॉब्लम्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे प्ले स्टोर पे से अभी हटाने की इजाज़त दी है। चलिए अब देखते हैं। तो दोस्तों, आप परेशान नहीं होना है। अगर आपको आपके मोबाइल फ़ोन में टिकटॉक ऐप नहीं है या फिर किसी भी वजह से डिलीट हो गई है तो आप घबराइए नहीं। आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल में टिकटॉक ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। चाहे वो डिलीट हो गया हो या आपके मोबाइल में नहीं हो, चाहे पुराना वर्जन हो, तो आप उसे अपडेट भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हमारे पास टिकटॉक ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो मैं इसे पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ। चलिए, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया टिकटॉक। अब हमारे पास टिकटॉक नहीं है। चलिए सर्च करके देख लेते हैं। टिकटॉक नहीं है हमारे पास। अब जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे। जब इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप जो उस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, चाहे वो क्रोम पे हो या जहाँ भी हो, तो वो क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पे यहाँ जो सबसे ऊपर वाला आया है एक ऑप्शन, डाउनलोड टिकटॉक नाउ, इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है टिकटॉक से रिलेटेड, और यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए 1-2% बहुत नेट मेरा स्लो चल रहा है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ये डाउनलोड हो रहा है। और एक बात ध्यान रखना है दोस्तों, इसे डाउनलोड होने के बाद आप इंस्टॉल करने से पहले एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि आप जब इसे डाउनलोड कर चुके हो तो ये डाउनलोड करने के बाद जब इंस्टॉल कर रहे होंगे आप, तो उस समय आपका जो है नेट ऑफ होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका नेट ऑन होगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा हुआ है तो मैं वह इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों हमारे पास डाउनलोड पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले मैं अपना डेटा ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद ये इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है, मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये इंस्टॉल हो रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है। नेट से इंस्टॉल होने में कोई कनेक्शन नहीं होता है, इसलिए मैंने नेट को ऑफ कर दिया है। नेट हो या ना हो, आपके मोबाइल में आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ये इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं या फिर यहाँ से डन कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो हमारा, मैंने टिकटॉक को डिलीट कर दिया था, और आज आप देख सकते हैं ये 19 अप्रैल मैं अभी करंट वीडियो बना रहा हूँ, कोई फेक नहीं है। तो अब आप इसमें टिकटॉक यहाँ देख सकते हैं कहीं आ गया, ये देखिए यहाँ टिकटॉक आ चुका है हमारा। अब मैं इस पर ओपन कर लेता हूँ इसे। देखिए यहाँ पे नेट नहीं है, तो इस वजह से मुझे डेटा ऑन कर लेते हैं। मैंने मोबाइल डेटा ऑन कर दिया है, फिर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, अब आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल में टिकटॉक यूज कर सकते हैं। जी दोस्तों, मेरा नेट थोड़ा स्लो है इसलिए वीडियो बफरिंग हो रही है, बट आप इस तरीके से बहुत ही ईजी वे में आप टिकटॉक का आनंद ले सकते हो।
चाहे वो आपका टिकटॉक डिलीट हो गया हो, अनइंस्टॉल हो गया हो, या आपके मोबाइल में पहले से नहीं हो, उसके लिए आप घबराने की बात नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपने टिकटॉक ऐप को इंजॉय कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में।